दोस्तों आज की कहानी है बहु मुझ इस बार पोता ही सही पोती नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रूई की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर ननद देवर थे। ननद की भी शादी हो चुकी थी और अपनी ससुराल में खुश थी। एक ही शहर में होने के कारण कभी कभार मिलने आ जाती। रोही के साथ मानसी की अच्छी पटती थी सास सुलेखा जी। व्यवहार से कुछ सख्त थी। रूही को अपनी पसंद से बहू बनाया था। शुरू से ही रूही और सुशांत पर अपने नियमों का बोझ लाद दिया था। ना तो दोनों अकेले घूमने जा पाते थे और ना ही घर में कुछ समय उन्हें अकेले में मिलता। शादी के सब महीने बाद ही रूही ने खुश खबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। सुलेखा जी को जब से पता लगा था कि वो दादी बनने वाली हैं, उसी दिन से जो कोई भी उनको बताता रूही को दवाई देती जिससे वह लड़का ही पैदा करे। रोज रूही को सख्त हिदायत दी जाती कि जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मानसी ने सुना तो अपनी माँ को समझाने लगी, मम्मी ये क्या कर रही हो आप, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है। सुलेखा जी मानसी को चुप कर देती, रूही अपना बहुत ख्याल रखती। लेकिन सासू माँ की इस तरह की बातों से उसका बहुत दिल दुखता था। इसका असर उसकी सेहत पर भी पड़ रहा था। सुशांत भी उसे समझाता कि ज्यादा टेंशन ना ले, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही होगा। 3 महीने पूरे होने पर सुलेखा जी रूही को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से बोली, आप चेकअप करके देखिए, अगर लड़की हो तो इसका गर्भपात कर दीजिएगा, मुझे पहला पोता ही चाहिए। डॉक्टर ने देखा सुलेखा जी किसी भी हालत में नहीं मानेगी, अगर वह मना करेगी तो वह किसी और डॉक्टर के पास जाएगी और रूही के सहरे की घबराहट बता रही है कि वह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। साई वो लड़का हो या लड़की, डॉक्टर रूही को लेकर अंदर रूम में गई। थोड़ी देर बाद बाहर आकर सुलेखा जी से बोली, बधाई हो, लड़का है आपका, सही कह रही है ना, मैंने अपना काम सही से किया है। सुलेखा जी बहुत खुश थी। उस दिन से उन्होंने रूही का अच्छे ध्यान रखना शुरू कर दिया। रूही भी उनके बदले व्यवहार से बहुत खुश थी।
अब उसकी सेहत भी सुधर रही थी। 9 महीने पूरे होने पर रोही ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। नरस ने बाहर आकर सुलेखा जी को खुश खबरी दी और बच्चे उनकी गोद में देते हुए बोली, बधाई हो, लक्ष्मी आई है। लड़की सुनते ही सुलेखा जी का मोह उतर गया। उन्होंने बच्ची को गोद में भी नहीं लिया। सुशांत ने आकर बच्चे को गोद में लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मैं पापा बन गया। जब डॉक्टर कमरे में आई तो सुलेखा जी डॉक्टर से बोली, आपने चेकअप करने में गलती कर दी। डॉक्टर उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, बोली, माँ जी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। सुलेखा जी कमरे से बाहर निकल गई। रोही डॉक्टर से बोली, आपकी गलती ने मेरी बच्ची की जिंदगी बसा ली। डॉक्टर मुस्कुराई और अपने मन में सोचा, गलती की या झूठ बोला, मैं अपना काम बिल्कुल सही करती हूँ। डॉक्टर ने रूही और बच्चे को प्यार किया और बाहर निकल गई। डॉक्टर को अपनी गलती से की गई मिस्टेक पर फक्र हो रहा था, जिस वजह से एक माँ को उसकी बच्ची मिल गई। दोस्तों, बहुत से घरों में लड़का लड़की में भेद किया जाता है। इस वजह से बहू को कितना भी दुख हो, इसका उन्हें ख्याल नहीं रहता। लोग कितना भी शिक्षित हो जाए लेकिन लिंग भेद करना बंद नहीं करते। ये हमारी समाज की मानसिकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।